जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिष आचार्य प्रमोद कुमार पंडा आप स्वागत करुच्चे आपण मान प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल को। प्रिय दर्शक बंधु, आज हम चर्चा करवा कर्क सिंह एवं कन्या राशि व्यक्ति मानी पंदर मास निमित्त राहु एवं केतु महाग्रह कौन फलाफल अच्छे। कर्कट राशि व्यक्ति मानी कर्म क्षेत्र प्रति यथेष्ट सावधान रहा अत्यंत आवश्यकता अच्छे। कर्म क्षेत्र टिके इनबालांस हेले निश्चित रूप से दुख एवं पीड़ादायक देखादब। खर्च मध्य अनावश्यकता क्षेत्र देखादब, चोरी हो पारे टिके सावधान हेबे। कौनसी द्रव्य हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, अर्थ हो, यथेष्ट सावधान रहा अत्यंत आवश्यकता अच्छे। स्वास्थ्य जदि कमजोरी देखा दूसरे तुरंत डॉक्टर इलाज करूँ, केबे भी अवहेला करूँ ना, जहाँफल आप कष्ट भोगे ना। कर्ज नियंतु नाही बा कर्ज दियंतु नाही। जदि बहुत आवश्यकता अच्छी कर्ज नापी तेल भाभी कौन से ज्ञानी व्यक्ति परामर्श करूँ, अन्यथा पीड़ित देखा दे पारे। नूतन बंधु मित्र द्वारा सहयोग मिल, बंधु मित्र द्वारा आनंद मध्य प्राप्ति अच्छे, कार्य सफलता देखा दब। धन निवेश करबा पूर्वर थरे भाभी चिंती करबा आवश्यकता अच्छे। जल्दबाजी करी कौन से धन निवेश करंतु ना, विशेष करी निजर जॉब बा व्यापार वाणिज्य क्षेत्र प्रति यथेष्ट ध्यान दियंतु, चेंज करिया पें चेष्टा भी करंतु ना। जहाँ अच्छे ताकु चलांतु, जेमिति चालिछि सेम चलियाकु चेष्टा करंतु। जदि कौन से आप जल्दबाजी कर जॉब छाड़ुचंती बा अधिक आशावादी कौन से क्षेत्र जॉब पे आप जाऊँगी, गोटे जॉब कन्फर्म है ना, एक जॉब आप छाड़ी दूसरी, निश्चित रूप से धोखा और पीड़ादायक देखा दे पारे, टी सावधान रहिबे। वयोज्येष्ठ व्यक्ति सहित आर्गुमेंट करेंगे, अभिशप्त देखादब, पितृदोष पीड़ित हे। चाहे से कर्म क्षेत्र बस हूँ, चाहे आप ग्राहक ईश्वर हूँ, चाहे आप पितृतुल्य व्यक्ति हूँ, समस्त सहित मन मिली चलने चेष्टा करें मंगलमय हम। तो प्रतिकार कौन अच्छे? प्रत्येक दिन सका उठी महादेव मंदिर में किसी गंगा जल प्रदान करूँ, श्वान को खावाक दिंतु, प्रत्येक गुरुवार दिन गोमाता को रुटी गुड़ खावाक दिंतु, प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र को जप करूँ, मस्तक भस्म धारण करंतु बा तिलक धारण करंतु, सुखरे दिन गुड़िक अतिवाहित हो, आनंद ही आनंद प्राप्ति हो। एबे सब जानिमा सिंह राशि व्यक्ति मानक पाए, सिंह राशि व्यक्ति मानक पाए ईगो को त्याग करिबा अत्यंत आवश्यकता जे। स्वास्थ्य निश्चित रूप से कमजोरी देखा दबो, छोटा छोटा कथा को नहीं आर्गुमेंट देखा दबो, ईगो वृद्धि करिबो, वयोज्येष्ठ व्यक्ति सहित तो असंतुष्टता वृद्धि करिबो, टिके सावधान रहिबे। पितृतुल्य व्यक्ति कथा मन पड़ी टिके दुखी मध्य देखा दबो बेले बेले, दूर यात्रा रे पीड़ा देखा दे पारे, टिके सावधान रहिबे। भाई भौणी मित्र द्वारा सपोर्ट मिलिबो, संतान को नहीं चिंता देखा दबो, संतान को नहीं आनंदित मध्य हेबे। विवाह कार्य रे विलंब देखा दब, बारंबार प्रॉब्लम क्रिएट करी पारे, किंतु विवाह कार्य रे सफलता अच्छे। दाम्पत्य जीवन रे अनेक आनंद देखा दब एवं कौनसी अनेक क्षेत्र रे मध्य आर्गुमेंट देखा दे पारे, बा पति पत्नी मध्य रे स्वास्थ्य को नहीं कहारी जनकर दुख एवं पीड़ा देखा दे पारे, टिके सावधान। जदि वृद्ध अवस्था अच्छा निजर स्वास्थ्य एवं वाणी को नियंत्रण रखु, बहुत आवश्यकता अच्छे। कौन सी व्यक्ति सहित तो धन आदान प्रदान करूँ ना, आपण ज्ञान अच्छी, आपण पाखे एक्सपीरियंस अच्छे, किंतु आप मन रखी दरकार ईगो को त्याग करने अत्यंत आवश्यकता अच्छे, अन्यथा धोखा खाई जापारे, टे सावधान रहा। ताले राहु केतु को कृपा प्राप्ति करने निमित्त एवं शुभ मंगलमय करने उपाय कौन अच्छे? प्रत्येक दिन रक्तचंदन सहित केशर को घोरी मस्तक टीका धारण करूँ, प्रत्येक गुरुवार शनिवार दिन
ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କୁଶ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବାର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସୁଖରେ ଦିନ ନିର୍ବାହ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ଜିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧନର ଆଗମନ ଅଛି, ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥର ଅର୍ଥକୁ ହେଉ ବା ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ମାତାପିତା ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ପୁରୁଣା ସଂଘର୍ଷ ତୁଟିବ, ନୂତନ ସଂଘର୍ଷ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଜଲ୍ଦବାଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା ନୂତନ ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଜନେସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପାର୍ଟନରସିପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସାନ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ହେବ, ଇନକମ୍ କମିଯିବ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଉକ୍ତ 15 ମାସ ପାଇଁ ରାହୁକେତୁ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ବା ଏ ରାହୁକେତୁ ଚଳନକୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଫଳହାର କରାନ୍ତୁ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଏବଂ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିନେ କର୍କଟ ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ବାଗା ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ହରିଓଁ।